अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, अंजीर गिज़ाइयत से भरपूर एक मज़ेदार और खुश ज़ायका फल है। इस वीडियो में हम जानेंगे अंजीर की कौन सी किस्म हमारी सेहत के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद और ज़्यादा ताकत रखती है। हम जानेंगे ख़तरनाक बीमारियों में अंजीर को इस्तेमाल करने के ख़ास तरीके, मुनासिब वक्त और सही मकदार। इसके अलावा अंजीर के मुज़िर असरात से भी आगाह करूँगा। अंजीर कौन सी अच्छी है ये हम ज़रूर जानेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं अंजीर के हैरान कुन फवायद की। नाजरीन, अंजीर विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर से मालामाल होती है। इसके अलावा कैल्शियम, आयरन, पोटाशियम, कॉपर, जिंक और क्लोरीन जैसे कीमती कंपाउंड भी मौजूद होते हैं। नाजरीन, अगर आप शदीद कब्ज का शिकार हैं तो अंजीर का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि अंजीर में फाइबर वाफिर मकदार में मौजूद होता है जो कब्ज के लिए बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अंजीर के अंदर मौजूद छोटे छोटे दाने हमारी आंतों से गंदे मादों और टॉक्सन को खारिज करने की सलाहियत रखते हैं। अंजीर के सिर्फ 3 दाने रात को 1 गिलास नीम गर्म पानी में भिगोकर रख दें। सुबह उसी पानी में अंजीर को ग्राइंड कर लें और इसमें 1 चम्मच इसबगोल का छिलका मिलाकर सुबह खाली पेट पी लें। इसके इस्तेमाल से न सिर्फ कब्ज फौरी तौर पर ठीक हो जाएगी, बल्कि पेट और मैदे के तमाम इमराज के लिए ये इलाज बहुत ही मुफीद और कारामद है। अंजीर ताकत और एनर्जी का बेहतरीन खजाना है। अगर आप थकावट महसूस करते हैं और आपके मसल्स और पट्टे कमजोरी का शिकार हैं, तो अंजीर के सिर्फ 2 से 3 दाने खा लें, आपकी थकावट चंद ही लम्हों में ठीक हो जाएगी। नाजरीन, अंजीर वजन कम करने के साथ साथ वजन को बढ़ाने का काम भी करती है, लेकिन आपने तरीका इस्तेमाल तब्दील करना है। 3 से 4 अंजीर रात को नीम गर्म पानी में भिगोकर रख दें। सुबह खाली पेट अंजीर को पानी समेत खा लें। चंद दिन के इस्तेमाल से ही आपका वजन कम हो जाएगा, लेकिन अगर आपका वजन कम है, जिस्म बिल्कुल कमजोर और खून की कमी है, तो 4 अदद अंजीर नीम गर्म दूध में भिगो दें। सुबह खाली पेट दूध के साथ ये अंजीर खा लें, ना सिर्फ आपका वजन बढ़ेगा बल्कि जिस्मानी कमजोरी और खून की कमी भी ठीक हो जाएगी। नाजरीन, अगर आपका हाजमा ठीक नहीं, खाना पीना हजम नहीं होता, तो खाने के बाद 1 अदद अंजीर खा लें, खाया पिया सब हजम हो जाएगा। बवासीर में अंजीर का खास इस्तेमाल बहुत ही मुफीद और फायदा मंद है। अगर आप बवासीर के मरीज हैं तो 5 दाने अंजीर रात को 1 गिलास गर्म पानी में भिगोकर रख दें। सुबह इस पानी में 1 चम्मच शहद मिलाकर इस पानी के साथ इस्तेमाल करें। 15 दिन इस्तेमाल करें, आपकी दोनों किस्म की बवासीर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अंजीर एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से हमारे खून से फासिल मादों को खारिज करती है, इसलिए यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है। दिल के मराज, हाई ब्लड प्रेशर और जोड़ों के दर्द में भी अंजीर का इस्तेमाल बहुत ही मुफीद और फायदेमंद है। अंजीर में मौजूद फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट गुर्दों को सेहतमंद रखने में बहुत ही मुफीद साबित होते हैं। अगर आप गुर्दों के इमराज में मुबतला हैं, तो अंजीर का इस्तेमाल जरूर करें। अंजीर का इस्तेमाल गुर्दों को पथरी से महफूज रखता है। नाज़रीन, अगर आप इन तमाम इमराज से बचना चाहते हैं, तो आज से ही अंजीर को अपनी खुराक में शामिल कर लें। इंशाअल्लाह ताला आप तंदुरुस्त जिंदगी गुजारेंगे। अब बात करते हैं सबसे अच्छी और गिजाइयत से भरपूर अंजीर की। नाज़रीन, जो अंजीर हम ज्यादातर खाते हैं, वो हार की तरह रस्सी में परोई हुई मिलती है। इसका 82% पानी खुश्क होता है। यही वजह है कि इसे इस्तेमाल करने से पहले कम अज कम 8 घंटे नीम गर्म पानी में भिगोकर रखा जाता है, जबकि वो अंजीर जो तुर्की से पूरी दुनिया में इम्पोर्ट की जाती है, वो अंजीर ज्यादा फायदेमंद और नरम होती है। इसमें पानी और मिनरल को 48% खुश्क किया जाता है। यही वजह है कि ये ज्यादा नरम होती है। इसको आप पानी में भिगोए बगैर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अंजीर की तीसरी किस्म जो बहुत ही कम मकदार में मिलती है, ये 100% खालिस, ज्यादा मजेदार, मीठी और लज्जत से भरपूर होती है। 100 ग्राम ताज़ा अंजीर में सिर्फ 80 कैलोरीज होती हैं, जबकि खुश्क अंजीर की इतनी ही मकदार में 250 कैलोरीज पाई जाती हैं। इसके अलावा ताज़ा अंजीर में खालिस मिनरल और खालिस मिठास मौजूद होती है, जबकि खुश्क अंजीर की मिठास पूरी करने के लिए शुगर मिलाई जाती है। लेकिन क्योंकि ताज़ा अंजीर 2 से 3 दिन में खराब हो जाती है, इसलिए इसे खुश्क कर लिया जाता है ताकि लंबे अरसे तक इस्तेमाल किया जा सके।
اگر آپ انجیر کی خالص غذائیت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو تازہ انجیر کا استعمال کریں، نہیں تو خشک انجیر کو آپ نیم گرم پانی میں نرم کر کے استعمال کر سکتے ہیں۔ ناظرین، انجیر جہاں صحت کے خزانوں سے مالا مال ہے، وہاں اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں۔ کیونکہ انجیر گرم تاثیر رکھنے والا باری پھل ہے، اس لیے اگر اسے ضرورت سے زیادہ کھا لیا جائے تو اس سے آپ کی آنکھیں اور سکن خراب ہو سکتی ہے۔ پریگننسی میں اس کا استعمال خطر ناک ہو سکتا ہے۔ میدے کے السر میں اسے کھانے سے گریز کریں۔ ضرورت سے زیادہ استعمال لوز موشن، پیچس اور کہہ کی وجہ بن سکتے ہیں، اس لیے سخت انجیر کو ہمیشہ پانی میں بھگو کر کھائیں اور 24 گھنٹے میں زیادہ سے زیادہ انجیر کے 5 سلائس استعمال کریں۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے سے لازمی آگاہ کریں۔ صحت کے متعلق مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔